झुग्गी वही मकान। केजरीवाल सरकार का यही वो सबसे बड़ा नारा है जो 2015 के विधानसभा चुनाव में दिया गया था। इस नारे के दम पर केजरीवाल सरकार को झुग्गी में रहने वाले लोगों के वोट मिले थे और जिनकी मदद से आप सत्ता में आई थी। आज भी ये नारा कायम है, पर फर्क इतना है कि पार्टी बदल गई है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब दिल्ली बीजेपी ने जहां झुग्गी वही मकान का नारा दिया है। मकसद है झुग्गी वालों तक पहुंच बनाना, जिसके लिए बीजेपी मोदी सरकार की योजनाओं को आधार बना रही है। दिल्ली बीजेपी के महासचिव राजेश भाटिया ने बताया कि झुग्गी के बजाय मकान के वादे के साथ दिल्ली में बीजेपी अभियान चलाएगी। बीजेपी का वादा है कि अगर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनती है तो झुग्गी की जगह मकान की योजना को अमली जामा पहनाया जाएगा। जब उनसे यह पूछा गया कि केजरीवाल को हराने के लिए केजरीवाल के ही नारे का इस्तेमाल क्यों, तो उन्होंने कहा कि यह आम आदमी पार्टी का नारा है। केजरीवाल सरकार ने वादे तो कर दिए, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए, जबकि बीजेपी ने झुग्गी वालों के लिए मकान देना शुरू भी कर दिया है। बीजेपी इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को आधार बना रही है। दरअसल मोदी सरकार की इस योजना को दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया, लेकिन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर बनी झुग्गियों का सरकार सर्वे करा रही है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह अभियान चला रही है कि केजरीवाल ने तो घर नहीं दिया, लेकिन बीजेपी प्रधानमंत्री आवास योजना को दिल्ली में लागू करके झुग्गी वालों को घर देगी। अब देखना होगा कि केजरीवाल के नारे का ही इस्तेमाल कर बीजेपी आप पर कितनी भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।